हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ग्रेवी पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाने में बहुत ही इजी, सिंपल और खाने में उतनी ही डिलीशियस है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें उसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज कट किए हैं, इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक पैन लूंगी। पैन में हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल। अब ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं प्याज डाल दूंगी और इसको हम हल्का सौते कर देंगे। तो ये देखिए, ये मेरा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिनको कि मैंने मोटा मोटा चॉप किया है, वो भी डाल करके इसको हम 1-2 मिनट के लिए इसको भी हम पका लेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ कलियाँ लहसुन की, जो कि साबुत ही हैं, और अदरक का पीस डाल रही हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे सभी चीज़ें पक चुकी हैं। अब इसको गैस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पनीर लिया है, ये 300 ग्राम के करीब पनीर है। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस में इनको कट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ, इससे हमारे जो पनीर है इसमें अच्छे इसका टेस्ट हो जाता है। जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो ये फीके नहीं लगते, थोड़ा स्पाइसी से अच्छे चटपटे लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें नमक और मिर्च डाल करके इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हमारा इधर जो ये मसाला है, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का, वो हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम उसकी एक प्योरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने इसको एक मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसको अब हम इसकी प्योरी तैयार कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी इसकी प्योरी तैयार हो चुकी है। अब मैंने जिस पैन में प्याज टमाटर फ्राई किया था, उसी पैन में हम जो हमने पनीर के पीसेस, हमने ये नमक मिर्च वाले लगे हुए हमें पनीर था, उसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएंगे। तो बस हल्का सा ही इनको फ्राई करना है। अब हम मैंने उसी सेम पैन में 1 तेज़पत्ता और बड़ी इलायची डाल दी है, और जो हमारी प्योरी थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हम भून लेंगे मसाले को। अब मैं यहाँ पर कुछ बेसिक से ही मसाले डाल रही हूँ, जो हमारे मेन मसाला होता है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, बस यही मेन बेसिक मसाले डाल रही हूँ मैं। इसमें कोई पनीर मसाला, शाही पनीर मसाला कुछ नहीं डाल रही हूँ। आप ये इन्हीं बेसिक मसालों से भी बहुत स्वादिष्ट ग्रेवी वाला पनीर बना सकते हैं। बस आपको उनको मसालों को धीमी आंच में अच्छे से भूनना है। ये देखिए, मेरा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, जितनी आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से उबाल आने दीजिए। तो ये देखिए, इसमें अच्छा उबाल आ गया है इसका। जब ये शायद ऊपर से वाइटपन ख़त्म हो जाएगा, ये जो वाइट बबल्स हैं, उसके बाद मैंने ये जो हमारे फ्राई किए हुए पनीर है वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको मैं भी 1-2 मिनट के लिए और इसको पका लूँगी। ये देखिए, इसने भी अच्छे से पक चुके हैं, अब इसने भी तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें लास्ट में यहाँ पर हम गरम मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब, और इसको बस 1 मिनट के लिए और पड़काएंगे। अब इसको ढक करके एक साइड रख देंगे। बस हमारा देखिए ये ग्रेवी वाला पनीर तैयार है। अब इसको एक सर्विंग बाउल में डाल करके सर्व करिए। तो है ना ये बहुत ही इजी, सिंपल। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।